The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. आज हम बात चल करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जो प्रोनिंग उल्टा लेटने की प्रोसीजर आपको दुनिया भर में बताई जा रही है कि उल्टा लेटिए उल्टा लेटिए उल्टा लेटिए. सो पेट के बल लेटना, प्रोनिंग, प्रोन पोजीशन या प्रोन ब्रीदिंग, ये क्या है पहला. दूसरा, इसके एडवांटेज क्या है, क्या इसके कोई डिसएडवांटेज है, कोविड पेशेंट में क्या ये हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है. दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो टुडे. ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोनिंग यानी कि इट इज अ प्रोस. एक्चुअली देखा जाए ना तो प्रोन पोजीशन को बोलते हैं, उल्टा लेटना उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, और प्रोनिंग का मतलब होता है उल्टा लेटाना. प्रोनिंग मीन्स किसी को हम उल्टा कर रहे हैं. सो टेक्निकली ये जो प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पेशेंट उसको बोलते हैं प्रोनिंग, राइट. वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रिसाइज प्रोसेस है, जिसमें के कई बार उनके मूवमेंट इतने सेफ रखने पड़ते हैं कि पेशेंट के बैक, पेट और फेस, एयरवे उसको नुकसान ना पहुंचे. तो प्रोन पोजिशन, उल्टा लेटना, हर इंसान जो खुद लेट सकता है उनके लिए, और प्रोनिंग जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको सांस की बहुत दिक्कत है उनके लिए प्रोनिंग की जाती है. और बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिलते हैं, चाहे आप सीरियस हैं, चाहे आप नॉट माइल्ड केस हैं, कोविड के हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है आपके, विथ वेंटिलेशन पे हो या वेंटिलेटर पे हैं, नॉन वेंटिलेटर पे हैं, डजेंट मैटर, प्रोनिंग से बेटर आपके लंग्स में एयरवेज अच्छी तरह से खुलते हैं. प्रोनिंग पोजीशन अलाउज बेटर एक्सपांशन. क्यों करते हैं? क्योंकि लंग के जो डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल का मतलब है बैक साइड का लंग है, वो बैक साइड का जो लंग का रीजन है वो एक्सपांड बेटर होता है. देयर इज बेटर एक्सपेंशन ऑफ द बैक साइड ऑफ द लंग. इससे प्लस बॉडी की जो मूवमेंट है इट बिकम्स बेटर, प्लस लंग्स के तीन तीन पॉइंट बता रहे हैं. पॉइंट नंबर वन, गुड एक्सपेंशन ऑफ पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द लंग्स. पॉइंट नंबर टू, इम्प्रूव्ड बॉडी मूवमेंट. जी हाँ, यू कैन एक्चुअली मूव ऊपर नीचे बिकॉज ऑफ दैट प्रोनिंग पोजिशन. हाथ हिला सकते, पैर हिला सकते, दैट हैपेंस. उसको आप हमारा जो सुपरमैन पोजिशन है उसमें जा सकते हो. प्लस लंग्स की मूवमेंट, चेस्ट की मूवमेंट इम्प्रूव होती है. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लंग्स के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी बेटर रिमूव होते हैं. सो बेटर एनहांस्ड रिमूवल ऑफ सिक्रीशन, जो अल्टीमेटली तीनों मिला के आपका SpO2 ऑक्सीजन लेवल जो है बेटर कर देती है ये पोजीशन, प्रोन पोजीशन. और द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोनिंग. सो याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना. ऑलराइट, ऑक्सीजनेशन जो है याद रखिए कि, लेकिन ये टेम्पररी है, ठीक है. सो दिस डज नॉट क्योर द प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बेटर हो गई, दैट डज नॉट मीन कि वायरस या कोई बीमारी जो लंग में चल रही है वो ख़त्म हो गई. ऐसा नहीं है. ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाना इज जस्ट दैट आपने उस लंग्स के कुछ और एरियाज को इन्वॉल्व कर दिया है अपने शरीर में ऑक्सीजन डालने के लिए. दैट डज नॉट मीन कि जो लंग में बीमारी हो रही है, वायरस है या कोई भी बीमारी है, वो ख़त्म हो गई, वो बीमारी चल रही है. सो इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट अ टेम्पररीली इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन, ठीक है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक पार्ट है COVID-19 या किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, एक पार्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है. जो उल्टे लेट सकते हैं वो खुद उल्टे लेटें,
जो नहीं लेट सकते उनको लिटाया जाएगा। उसके लिए कायदे से प्रोनिंग की एक अपनी खुद की टीम होती है। जी हाँ, अस्पतालों में जो सीरियस पेशेंट हैं या वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं वो ऐसे ही नहीं पलटी जा सकते, उनके लिए वेंटिलेटर के लिए प्रॉपर नर्स चाहिए, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पेशेंट केयर टेक्नीशियन चाहिए, ऐसे 5-6 लोग चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन कितने मोटा है पेशेंट, कैसा है पेशेंट, उसके हिसाब से चाहिए, राइट। सो टर्निंग द पेशेंट इज इटसेल्फ अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। वो पेशेंट खुद अगर ठीक ठाक है तब तो ठीक है, वरना टर्निंग इज इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले साइड लैटरल पे लेते हैं, फिर उसके बाद में फाइनली एब्डोमेन पे लेते हैं, और धीरे धीरे आपके ईच पोजिशन पे आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, कहीं कोई सांस की नसी नली दब तो नहीं रही, कहीं कोई धड़कन या ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, सैचुरेशन बहुत कम तो नहीं हो रहा। इट टेक्स टाइम, राइट। सो कितना प्रोनिंग आपको रखना चाहिए, कितने दिन में कितनी बार रखनी चाहिए और कितने देर तक रखनी चाहिए, ठीक है, हाउ ऑफन एंड हाउ लॉन्ग। सो पेशेंट को प्रोन पोजीशन पे आप रख सकते हैं 16 से 18 घंटे तक रख सकते हैं, 16 से 18 घंटे तक, और फिर सीधा लेटाइए, फिर सुपाइन पोजीशन, प्रोन यानी उल्टा, सीधा यानी सीधा तो आप जिंदगी में लेटे ही हैं, सीधा अपना हॉरिजॉन्टल फेस ऊपर, वो आप 6 से 8 घंटे तक लेटेंगे अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, सीधा लेटना टॉलरेट कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आपको प्रोन करना पड़ेगा, कभी ऐसा कभी इस लेफ्ट लैटरल राइट लैटरल, हाथ ऊपर हाथ नीचे। सो पोजिशंस नीड्स टू बी चेंज रेगुलरली एवरी टू आवर्स। योर प्रेशर पॉइंट्स को देखना होता है, शरीर के प्रेशर पॉइंट्स पे गड़बड़ी ना आए, बेड सोर नहीं बनना चाहिए, खासकर उन लोगों में जो नहीं हिल पा रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हर पेशेंट को प्रोन भी नहीं कर सकते, ऑल पेशेंट्स कैन नॉट बी प्रोन, क्यों, अगर किसी को कोई फ्रैक्चर है, अनस्टेबल फ्रैक्चर है, स्पाइनल फ्रैक्चर है, कहीं और का फ्रैक्चर है, कोई ओपन वूंड है, खुला हुआ वूंड है, कहीं बर्न है, किसी को कोई ट्रकियल इंजरी है, किसी कोई प्रेग्नेंट है, ऐसे पेशेंट्स को उल्टा नहीं कर सकते, राइट। सो देर आर दिस थिंग्स। प्लस ऐसा नहीं है कि प्रोनिंग में जीरो रिस्क है, रिस्क है, क्या रिस्क है, आपके अगर किसी का किसी के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सांस की नलियां दब सकती हैं, एयरवे जिसने डाला हो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ट्यूब डाली है वेंटिलेटर की वो दब सकती है, फेस पे कुछ लोगों के स्वेलिंग आ सकती है उल्टा लेटने से, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है उल्टा लेटने से, कुछ लोगों को धड़कन में इररेगुलरिटीज आ सकती है, इररेगुलर हार्ट बीट हो सकती है उल्टा लेटने, तो उल्टा लेटना इज नॉट जस्ट कि उल्टा लेट गए चलो बहुत है, ऐसा नहीं, यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट, यू स्टिल हैव टू सी कि क्या हो रहा है। प्रेशर रिलेटेड स्किन इंजरीज हो सकती है, 16 घंटे लगातार उल्टा नहीं लेटाना पड़ता, ओके। देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है, स्लोली पेशेंट को स्लोली उल्टा लेटाते हैं, स्लोली फिर उसको सीधा किया जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोनिंग, प्रोन पोजिशन, प्रोनिंग। प्रोन पोजिशन से 3 एडवांटेजेस हमने बताए स्टार्टिंग में जो आपको याद रखने हैं, बैक ऑफ द लंग्स के जो एरियाज है वो खुलते हैं, डॉर्सल बैक लंग एरियाज के, बॉडी की लंग्स की मूवमेंट बेटर होती है, एरियाज ऑफ द लंग्स की बॉडी की, और लंग्स के सिक्रीशन निकलने में मदद मिलती है। इसीलिए प्रोनिंग की प्रैक्टिस आप लोग करिए, अभी से करिए, इवन इफ़ यू आर नॉट इन्फेक्टेड, इवन इफ़ यू हैव रिकवर्ड, अगर आप ठीक हो गए हैं, आपको ठीक हो रहे हैं, आपको सांस फूल रहा है, आपको खांसी आ रही है, यू कैन ट्राई प्रोनिंग, प्रोनिंग की प्रैक्टिस करिए, खुद प्रोनिंग करिए, खुद सेल्फ प्रोनिंग करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोन पोजिशन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड जितना हो सके उतना लोगों को अवगत कराइए। दिस इज डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन।